हेलो, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग को टाइटल में पता चल ही गया होगा कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये जियोनी के फैक्ट्री जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं जियोनी के फ़ोन, उसके बारे में है। ये जब आप फैक्ट्री के भी जब भी आप अंदर जाओगे तो बाहर में एक लगा हुआ है, बहुत बड़ा सा स्केल मॉडल है जियोनी फ़ोन का। जो फैक्ट्री है उसका स्केल मॉडल है यहाँ पर लगा हुआ, और काफ़ी इसमें खूबसूरत लाइटें वगैरह भी लगी हुई हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि ये लाइट्स वगैरह जल रही है, इसमें पूरा ग्रीनरी वगैरह भी हूबहू स्केल मॉडल है, जैसी फैक्ट्री है उसी का सेम टू सेम यहाँ पर बनाकर इसके रिसेप्शन के बगल में रखा हुआ है। आइए अब फैक्ट्री को देखते हैं अंदर से। ये है जी उनकी फैक्ट्री, ये मदरबोर्ड्स वगैरह पर चिप्स वगैरह आईसी वगैरह चढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं ये मशीनें हैं जो मदरबोर्ड पर सारे आईसीज और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो उस पर फिट करती हैं। और भी दिखाता हूँ मैं, ये देखिए काफ़ी सारी मशीनें हैं और उनके ऊपर शीशा भी लगा हुआ है। अंदर में आप देख सकते हैं कि वो मशीनें पूरा कैसे काम कर रही हैं, और ये सब आप बाहर से देख सकते हैं। गैलरी बनी हुई है, शीशा लगा हुआ है और नीचे काम चल रहा है। देखिए सब में मोबाइल्स के मदरबोर्ड असेंबल किए जा रहे हैं। ये हम लोग का टीम है जो हम लोग गए थे यहाँ से इंडिया से, तो यहाँ पर ये 3 या 4 फ्लोर का ये फैक्ट्री है, जो इसमें सबसे नीचे यहाँ पर मदरबोर्ड का काम हो रहा है। इसी फैक्ट्री में भी आगे वीडियो में देखेंगे, ऊपर जाएंगे तो ऊपर में भी किस तरीके से सारी असेंबलिंग होती है मोबाइल की। ये देखिए जैसे कि ये एक मशीन है, इसको मैं दिखाऊंगा आपको फिर। ये देखिए यहाँ पर ये वर्कर काम कर रहे हैं, ये भी किसी एक तरह की मशीन है। काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी है, मतलब इंडिया में तो अब जाकर शायद आया है, एक दो कंपनी आई हैं। ये तो पहले तो सारी कंपनियां जो थी चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग करती थी अपने प्रोडक्ट्स। तो ये देखिए किस तरीके से मदरबोर्ड फिट कर रहा है, मदरबोर्ड आईसी चढ़ा रहा है, क्या चढ़ा रहा है वही जाने। अब यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेशन का काम होता है, सारे मोबाइल्स को चेक किया जाता है ऑटोमेटिक सिस्टम में लगाकर कि मोबाइल प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैंने एक और चीज़ अजीब देखी जो इंडिया में जनरली हम लोग को नहीं देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस वर्कर को देख सकते हैं, दोनों हाथ से सेम टाइम में काम कर रहा है, दोनों हाथ से दोनों मोबाइल के फंक्शन चेक कर रहा है। ऐसे बहुत सारे वर्कर मैंने वहाँ देखे, बगल वाला भी देख सकते हैं आप, सब लोग दोनों हाथ से एक साथ काम कर रहे हैं। शायद इसी कारण से चाइना इतना ज़्यादा ये मैं हूँ। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप सेम चीज़, दोनों हाथ से ये मोबाइल को चेक कर रहा है, मोबाइल पूरा कंप्लीट पर है। उसका एक्सेलरेटोमीटर जो होता है वो फिर आपको जो सारे सेंसर होते हैं, देखिए खोल खोल कर चेक कर रहे हैं, मोबाइल ऑन है उसका एलसीडी भी निकाल कर चेक कर रहे हैं, तो इस तरीके से सारी मोबाइल चेक हो रही हैं। काफ़ी अजीब लगता है। ये देखिए यहाँ से मोबाइलें पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, यही मेन फैक्ट्री है जियोनी कंपनी की जो चाइना शेंजिन में है। शेंजिन में इसकी फैक्ट्री है और ये कंपनी बेसिकली चाइनीज़ी कंपनी है, पेरेंट है। यहाँ पर चार्जर, डाटा केबल और मोबाइल डालने का यहाँ पे काम हो रहा है, जैसे देख सकते हैं यहाँ बॉक्स में सारे डाटा केबल, चार्जर, मोबाइल जो भी हम लोग को सामान मिलते हैं बॉक्स में अंदर वो यहाँ डाले जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर केवल इंडिया के लिए नहीं, हर अलग अलग देश के लिए अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से मोबाइल पैक होकर जाता है यहीं से जियोनी का। ये देखिए काफ़ी ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर मोबाइल बनता है।
अच्छा काफ़ी ये बड़ी नाइजीरिया कंपनी जाना भी है, है। ये वो वाला नाइजीरिया का बॉक्स भी जाना है, 1 2 3 ये फाइनल हो गया। अब इसके बाद ये सारे जितने भी मोबाइल है पैक होकर अपने अपने जहाँ पे इनका डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए भेज दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा जियोनी का फैक्ट्री टूर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो मेरा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं मेरी।